नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज, में हूं राकेश। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस की 5 कंपनी ड्यूटी कर रही है। साथ ही बिहार में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, इसकी समीक्षा पुलिस मुख्यालय में लगातार हो रही है। ये बातें एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कही है। जैसा आप जानते हैं कि 5 मई से राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, पूरे राज्य में है। तो इसके लिए बहुत विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के स्तर से भी जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय से भी जिला पुलिस अधीक्षकों को कई निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में पुलिस की भूमिका रहेगी। इसके लिए उनको जो है हमने अतिरिक्त बल भी दिया है। जैसे अगर देखें तो पटना को जो नॉर्मल उनका पुलिस बल है, उसके अतिरिक्त उनको करीब जो है 5 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से अन्य प्रमुख जिलों में भी जो है बल अतिरिक्त उनको भेजा गया है। साथ ही उनको ये भी हिदायत दी गई है कि उनके ऑफिस कार्यों में जो पुलिसकर्मी आदि तैनात हैं उनकी भी वे समीक्षा कर लें, उसमें उतने ही कर्मी रखें जितनी इसमें आवश्यकता है, बाकी सभी को क्षेत्र में पुलिस के कार्यों के लिए तैनात करें। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए विभिन्न टीमें आदि जो गठित हैं उनको तैनात करें। और जो उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं वो ये कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थान रहते हैं और सामान्य जैसे 7 बजे से 11 बजे सब्जी आदि इन सब की बिक्री है, ये जो स्थान रहते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान फोकस करें कि आमजन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और अनावश्यक भीड़ नहीं करें। इसी तरह से सड़कों आदि पर भी जो लोग आ जा रहे हैं या वाहन आ जा रहे हैं वे वही जाएं जिन जो उस लॉकडाउन से प्रतिबंध से मुक्त हैं, आवश्यक सेवाओं और जो आवश्यक कार्यों के लिए जा रहे हैं वही, और उनके पास भी जो है अथॉरिटी हो उन्हीं को वो अलाउ करें। तो इस तरह के स्पष्ट निर्देश उनको दिए गए हैं और उनके द्वारा इसका एनफोर्समेंट कराया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा और हम अभी कृत संकल्प हैं कि हम इस COVID-19 संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। उसके लिए हमको जितनी भी कार्रवाइयाँ क्षेत्र में करनी होगी हम करेंगे। जो लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, केस भी आवश्यकतानुसार रजिस्टर हो रहे हैं, वाहनों की जब्ती भी की जा रही है, मास्क ना पहनने वालों के विरुद्ध फाइन की कार्रवाई भी हो रही है और ये लगातार हमारा प्रयास चलता रहेगा।